हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझेंगे। अगर कोई कंपनी कुछ अमाउंट स्पेंड करती है कुछ ऐसी एसेट्स को खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए या सर्विसेज अक्वायर करने के लिए जो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे, तो ऐसी ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, दीज आर ऑफ एंड्यूरिंग नेचर टू द बिजनेस। इट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग है ये, इनका जो बेनिफिट है एक साल में कंज्यूम नहीं होगा, इनका बेनिफिट आने वाले सालों में होगा, 2 साल 5 साल 10 साल में भी कंज्यूम हो सकता है। तो इसलिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो इनके एग्जांपल्स होंगे, हमने जैसे मशीनरी खरीदी, मशीनरी लिया, फर्नीचर लिया, या प्लांट लिया, कोई कंप्यूटर्स लिए। The benefit of these type of assets will continue for a long time. और ये जो expenditure है, capital expenditure, it may be incurred to acquire tangible assets or intangible assets. Tangible और intangible assets के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। टेंजिबल एसेट्स जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जिनको कि हम देख सकते हैं, जो हमारे फिजिकल फॉर्म में है। और इनटेंजिबल एसेट्स जो हमें दिख नहीं रही हैं, बट इवन देन दे हमारी एसेट्स हैं, जिन जैसे कि हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गई, कंप्यूटर एप्स हो गए, तो ये हमारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं। और कैपिटल एसेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में एज फिक्स्ड एसेट्स। अब हम चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए। अगर कोई कंपनी ऐसा अमाउंट स्पेंड कर रही है जो उसके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है, और उन एक्सपेंसेस से भी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट्स मिलता है, डेट इज़ एग्जॉस्टेड विद इन दैट सेम अकाउंटिंग ईयर। ये अगले अकाउंटिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, अगले अकाउंटिंग ईयर में उनके अपने अलग तरीके के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। इसकी इनकी जो एक्सपेंडिचर्स की लाइफ है विद इन डैट अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाती है। एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, सैलरीज है, वेजेस। आप कहेंगे सैलरीज और वेजेस से कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, ये तो हमारे खर्चे हैं। सैलरीज हम किनको देते हैं? सैलरीज हम देते हैं जो एम्प्लॉयज हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, है ना, तो वो हमारी अर्निंग के लिए तो कर रहे हैं। वेजेस हम देते हैं जो हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, प्लांट्स में काम कर रहे हैं, हम उन वर्कर्स को वेजेस देते हैं, तो वो हमारी अर्निंग इंक्रीज करने के लिए ही दे रहे हैं ना। तो ये जो खर्चे हैं, डे टू डे खर्चे हैं, बार बार आने वाले खर्चे हैं, है ना, और रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं। इसी तरह आप ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के, और ये थे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के। अब हम इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर शो होते हैं बैलेंस शीट्स के एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, ये शो होते हैं पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड। अब अगर आपसे कुछ एक्सपेंसेस पूछूं, तो कैन यू टेल मी वेदर दीज एक्सपेंसेस आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर? मैं बताता हूँ, देर आर सम फैक्टर्स विच डिटरमाइंस वेदर द एक्सपेंसेस इज ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। मैं इसको रब कर देता हूं। फैक्टर्स
डिटरमाइनिंग एक्सपेंसेस एज रेवेन्यू और कैपिटल। सबसे पहला फैक्टर है रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर्स के हैं, जो फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, वो एक्सपेंसेस होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और जो एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर के हैं वो आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम कह सकते हैं रेगुलर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम कह सकते हैं वन टाइम एक्सपेंसेस, वन टाइम और सम टाइम और ओकेजनली। एग्जांपल्स हैं सेम सैलरीज, वेजेस, रेंट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के एग्जांपल्स हैं परचेज ऑफ एसेट्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। सेकेंड हमारा फैक्टर्स है नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू आइडेंटिफाई वेदर एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। फॉर एग्जाम्पल ए ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, जो फर्नीचर में ही डील करता है, वो फर्नीचर खरीदता है तो वो उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और वो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को पी एंड एल अकाउंट में दिखाएगा। अदर ट्रेडर्स के लिए परचेज ऑफ फर्नीचर जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में होगा, जो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। थर्ड इज पर्पस ऑफ एक्सपेंस, पर्पस ऑफ एक्सपेंस। In case the expenditure is incurred for the major repair of an assets, that expenditure is of capital nature. और अगर कोई ऐसा expenditure है जो day to day maintenance of assets के लिए है तो वो होगा revenue nature का। For example, हम एयरक्राफ्ट का पार्ट लेते हैं, एयरक्राफ्ट इंजन का अगर कोई रिपेयर है, डेट इज ए मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर, तो डेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर डेट एयरलाइंस। और अगर वो नॉर्मल डे टू डे मेंटेनेंस है पार्ट्स का तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकेंड हैंड कोई मशीनरी खरीदिए, उसके रिपेयर में जो खर्चा हो रहा है, अगर मशीनरी ठीक हो जाएगी तो कंपनी के लिए फायदा ही होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ द मशीन, मशीन तो ले आए लेकिन इंस्टॉल भी तो करवानी है, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जो हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएंगे। फोर्थ फैक्टर है रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, फोर्थ फैक्टर इज रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। अगर किसी एक्सपेंस की रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी सिर्फ एक साल है तो वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर कोई एक्सपेंसेस की रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी मोर देन वन ईयर है, दो साल है, तीन साल है, चार साल है, तो वो आएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो एग्जैक्टली आपको बता सकते हैं वेदर द एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। अब रिवेन्यू और कैपिटल नेचर्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी परचेज करी 15,000, मशीन परचेज करी है हमने 15,000 रुपीज़ की, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 3 इयर्स, 3 साल लाइफ है, 15,000 की मशीन है, तो इट मींस इसका यूज़ फैक्टर पर ईयर कितना हो गया,
यूज पर ईयर 15,000 डिवाइडेड बाय 3 इज 5,000, यानी कि 5,000 रुपीज की हम इसका यूज कर लेते हैं हर साल। अब हम इसका देखते हैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में कैसे बाइफरकेशन होता है। कॉस्ट कॉस्ट है इसकी 15,000 रुपया, ईयर पहला साल, पी एंड एल अकाउंट, एक साल में पी एंड एल अकाउंट में कितना जाएगा 5,000 रुपीज, क्योंकि 5,000 15,000 में से 5,000 हम यूज कर लिया करंट ईयर के अंदर ही 5,000। बैलेंस शीट्स में क्या जाएगा, 15,000 में से 5,000 तुमने इस बार यूज कर लिया तो 10,000 रुपया बैलेंस शीट्स में जाएगा एज बैलेंस। अब सेकेंड ईयर में अगर आप आए तो कितने की रह गई मशीन की वैल्यू, 10,000 रुपया। पी एंड एल में अगेन 5,000, एक साल का 5,000 यूज है, बैलेंस कितने का रह गया जो बैलेंस शीट्स में जाएगा, सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट्स में सिर्फ 5,000 रुपीज जाएगा और 5,000 रुपीज पी एल एंड अकाउंट में। अब आ जाइए थर्ड ईयर पे, थर्ड ईयर पे जो मशीन की वैल्यू है वो 5,000 रुपीज रह गई है और ये 5,000 रुपीज हम पी एंड एल अकाउंट में चले गए और बैलेंस शीट्स में थर्ड ईयर में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे अल्टीमेटली सारा एक्सपेंसेस जो है पी एंड एल अकाउंट में ही चला गया है, और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं दैट इज ऑल ट्रांसफर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दैट इज पी एंड एल। अब तीन साल के बाद अब हम समझेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस वन यूजुअली सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो एक साल में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनका जो उनसे जो मिलने वाला बेनिफिट है वो एक साल के अंदर पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जिनसे जो रेवेन्यू मिल रहा है, जो अर्निंग हो रही है, वो एक साल में ना होके आने वाले कुछ सालों में होती है। तो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस जिनसे आने वाले सालों में कंपनी को फ़ायदा हो, बेनिफिट्स हो, अर्निंग्स हो, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ऐड देते हैं टीवी के न्यूज़ चैनल पर और कहते हैं कि ये हमारा ऐड आने वाले एक साल दो साल तीन साल के लिए दिखाइएगा, तो इससे मिलने वाला बेनिफिट हमारा एक साल का नहीं है, ये हमारे को कई सालों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे मिलने वाला बेनिफिट आने वाले कई सालों के लिए है। और एग्जाम्पल लेते हैं, हाईवेज पर हम देखते हैं बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसका बोर्ड लगा है, एयरटेल का बोर्ड लगा है, जियो कंपनी का बोर्ड लगा है या मोबाइल कंपनीज के बोर्ड लगे हैं और ये बोर्ड्स पिछले दो साल से लगे हुए हैं। अगर इन कंपनीज ने ये एक्सपेंडिचर पहले साल में ही इनकर किया है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरह आईपीएल में देखिए पिछले दो साल से तीन साल से पेटीएम स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये जो एक्सपेंडिचर पेटीएम ने अगर एक साल में कर दिया है तो उसके लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो दो साल तीन साल तक चला है उसके लिए। तो यहाँ हमने समझा एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। आने वाले वीडियो में हम कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ आएंगे। धन्यवाद।